लोहरदगा जिले के सदर अस्पताल में एक बार फिर से कोरोना महामारी के प्रभाव की रोकथाम को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर तैयारी तेज कर दी गई है। जिले के उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण और सिविल सर्जन डॉ. संजय कुमार सुबोध के नेतृत्व में सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया, जहां जनरल वार्ड, स्पेशल वार्ड, पोस्ट कोविड ऑपरेटिव वार्ड, चाइल्ड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू सहित पूरे अस्पताल की बारीकी से जांच कर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट को चालू कराकर सभी वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई का भी जायजा लिया गया। साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी भी ली गई। अस्पताल को कोविड से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। मौके पर उपायुक्त डॉ. वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि जिले में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के निर्देश पर मॉक ड्रिल अभ्यास किया गया, जहां सदर अस्पताल में पूरी तैयारी की गई। जिले में जांच का दायरा रेलवे स्टेशन से लेकर पहले बनाए गए चेक पोस्ट तक की गई है और बाहर से आने वाले लोगों की जांच कर जिला प्रशासन उन पर नजर रखेगा। वहीं कोविड पॉजिटिव केसेज आने पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में लोहरदगा जिले में 9 कोविड संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गई है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोविड को कोविड के मैनेजमेंट को रिलेटेड, और साथ ही में डॉक्टर्स और नर्सेज, इनकी सब तैयारियां देखी गई हैं और सब इक्विपमेंट चेक किए जा रहे हैं। कहीं कोई अगर खराबी पाई जाती है तो तुरंत जो है टेक्नीशियंस को बुला करके उसको मरम्मत करने की भी कार्रवाई की। अभी देखिए कोविड का जांच के लिए जो किट्स है वो सब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर किसी को इस तरह के लक्षण मतलब पाए जा रहे हैं कि बुखार है या फिर सर्दी खांसी इत्यादि, तो फिर तुरंत अपनी कोविड जांच करानी चाहिए। और किट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैं आप लोगों के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और इनका फायदा हो। वहीं सिविल सर्जन डॉ. संजय कुमार सुबोध ने कहा कि सरकार के निर्देश पर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अस्पताल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव को सदर अस्पताल के टेक्नीशियन और ऑपरेटर का विशेष प्रशिक्षण रांची रिम्स में देने का प्रस्ताव दिया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव का ये पीसी हुआ था, उसमें निर्देश दिया गया था कि आपके पास कैसी कैसी तैयारियां हैं, इस संबंध में लोहरदगा से पूछा गया था। तो हमारे आदरणीय डीसी महोदय स्पष्ट बोले कि हमारे जिला में 9 एक्टिव केस है, सारे आइसोलेशन में हैं और हमारे नर्सेज हैं, वेंटिलेटर और डॉक्टर चलाने के लिए सक्षम हैं और कोविड वार्ड भी तैयार है। और इसलिए मैं लोहरदगा वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ना मेडिसिन की कमी है, ना इमरजेंसी मेडिसिन की कमी है। और हम लोग जो 2020 में जिस कमी को झेले हैं उस कमी को हम पूरा कर दे रहे हैं। और मैं अपील करता हूं लोहरदगा वासियों को कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं और हाथ को धो कर बार बार साबुन से उसका यूज़ करें और जो प्रोटोकॉल है नियमों का पालन करें। उनको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं, स्वास्थ्य विभाग पूरे तरह से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। टफॉन XT600 HCR TMT रिबा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।